तो देखिए बेटा, आज हम लोग नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। नया कॉन्सेप्ट क्या है? आप इंटीग्रेशन समझते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन समझते हैं, लेकिन उसमें जो ग्राफिकल अप्रोच है, जो प्रोफेसर्स जानना चाहते हैं, आइए हम लोग उसके बारे में देखते हैं। एक क्वेश्चन मैंने जो है ऑब्जेक्टिव लिया है और एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन लिया है। ये जो है दोनों ही एडवांस में आए हुए हैं, 98 का है और ये 2010 का क्वेश्चन है। चलिए, और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दोनों में इन्वॉल्व हुआ है और ये फंक्शंस ये 98 में आया है, ठीक है, और 98 के बाद फिर ये 2010, यानी कि लगभग काफ़ी टाइम 10-12 साल बाद फिर से रिपीट हो गया। तो कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। तो आइए पहले तो हम देखें ये फंक्शन क्या है। तो फंक्शन जो होता है, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है बेटा, वो इस तरह से डिनोट किया जाता है। और इसका जो ग्राफ है, सभी स्टूडेंट्स ने देखा होगा कि ये जो वैल्यूज़ है, ये 0 से 1, ये 1 से 2, और ये 2 से 3, ये 1 और ये 2 और ये 3 से 4, तो ये हो गया 3। और इधर जो है वैल्यूज़ है, ये है -1, तब ये -1 से यहाँ तक, फिर -2 से -1 तक, ठीक है, इस तरीके से ये है। एक चीज़ और है कि अगर हम कहें कि ये ऑड है, ऑड का मतलब है यानी कि ये जो वैल्यूज़ है, ऑड इज ऑड। ऑड होने का क्या मतलब है? ये ऑड हो यानी कि ये वाई, इसकी जो वैल्यूज़ है, वन हो, फिर 3 हो। तो 1 और ये 3 जब होता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो गया, तो उसमें ये 1 हुआ यानी कि ये जो वैल्यूज़ है 1 है। प्रार अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 3 है, यानी कि ये ऑड हुआ है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 तब होता है जब x की वैल्यू 3 से 4, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 से 4 के बीच हो। और अब देखें कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर इवन है, तो इसका क्या मतलब है? ये इवन, इवन मींस इसकी वैल्यू 2 हो गई है, तो 2 का मतलब यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट इक्वल टू 2 हुआ। इट मींस एक्स की जो वैल्यूज़ है वो कहाँ से? 2 से लेस देन 3 तक, यानी कि इस 1 से हमारी जो वैल्यूज़ है ये ऑड आ गई है। तो ऑड आने के लिए ये 1 आया है, तो इसकी जो वैल्यूज़ है ये ग्रेटर आर इक्वल टू 1 और लेस देन 2, यानी कि ऑड आया तो यानी कि ये 1 से स्टार्ट है और ये इक्वल टू 3 है, यानी 3 से स्टार्ट है, 2 है, तो ठीक है, इसमें ये 0 भी इवन ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है जब ये 0 होगा तो x की जो वैल्यूज़ है वो 0 से लेस देन 1 स्टार्ट होगा। तो इस क्वेश्चंस में देखिए, ये कह रहा है कि फॉर एनी रियल नंबर x डिनोटेड द ग्रेटेस्ट आर लार्जेस्ट इंटीजर्स इक्वल टू x, ठीक है, f बी द रियल वैल्यूड फंक्शन इन इंटरवल -10 से 10। एक इंटरवल दे दिया गया -10 से 10, ये ऑड हो और इवन हो। जब ये ऑड और इवन हो गए तो x की जो वैल्यूज़ है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, ये बात हमको पता चल गई। अब ये बात अगर हमें पता चल गई है कि ये कब इवन होंगे, ये ऑड कब होंगे, ऑड कब होंगे, जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच होगी, x की वैल्यू 3 से 4 के बीच होगी, फिर 2 से 3 के बीच होगी, तो ये इवन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये फंक्शंस को हम ले सकते हैं। कैसे? अब इस बात को समझिए कि अगर हमने ये बोला कि एफ एक्स है, अब आइए देखते हैं। तो पहले तो हमने इस चीज़ को समझा, इसको समझने के बाद अब कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए बेटा, अगर हम ये जो है एफ एक्स,
ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट लेते हैं तो इसका ग्राफ आप लोगों ने बुक्स में देखा होगा, इसका जो ग्राफ होता है वो बेटा कैसा होता है, ये ऐसा आता है ग्राफ, ठीक है। इस ग्राफ को हम ऐसे ज़ीरो, ये ज़ीरो माइनस वन और ये वन, और ये इसे हम लोग जो है क्या कहते हैं, ये टू, इसे कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन और विथ पीरियड इक्वल टू वन। ये एक पीरियोडिक फंक्शन होता है और इसका पीरियड क्या होता है, वन होता है। तो पीरियोडिक है ये, जीरो से वन, वन से टू, टू से फिर थ्री, ये रिपीट होता रहेगा, बार 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 रिपीट होता है, इसीलिए इसको पीरियोडिक कहते हैं। एक पीरियड यानी कि वन इंटरवल के बाद ये बार बार रिपीट होगा, तो इसीलिए इसे हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसमें इस एफ एक्स की जो वैल्यूज़ है, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है माइनस वन से वन तक, माइनस वन से वन तक। तो आप इसमें ग्राफिकल अप्रोच ये लगा सकते हो, क्योंकि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम कहते हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया बाउंडेड बाय एफ एक्स और गिवन लिमिट्स, यानी गिवन लिमिट्स में जो एफ एक्स से जो एरिया आता है उसके उसका एल्जेब्रिक सम लेते हैं। तो पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव नेगेटिव लीजिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया में यही बहुत बड़ा डिफरेंस है, एरिया में सारी चीज़ें एरिया पॉजिटिव लिया जाता है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो एरिया है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकते हैं। फिलहाल अब आप देखिए, माइनस वन से वन तक में ये एक्स और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, ठीक है, और ये डी एक्स है। अगर हम ग्राफिकल अप्रोच देखें तो माइनस वन से ज़ीरो के बीच इस ग्राफ में जो एरिया है ये वन है। कितना एरिया होगा, ये है वन और ये वन, तो ये कितना हो गया, पूरा स्क्वायर वन होगा, तो ये एरिया होगा हाफ, ये एरिया हाफ हो गया। फिर जीरो से वन में भी इससे देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर ये एरिया कितना होगा, वो होगा हाफ, तो इसकी वैल्यूज़ क्या आ गई, वन। अगर इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होता तो आंसर्स आपको मिल जाता, ये वन। अब इसी ग्राफ का यूज़ यहाँ पर दिया गया है, आइए कैसे करेंगे देखते हैं। अब आप देखिए कि ये फंक्शंस कैसा है, इस फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करिए। ये फंक्शन दिया हुआ है और इसके बाद इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, 2010 में है, इसको अब मिटा देते हैं। अब हम देखेंगे, पहले एफ एक्स के बारे में जानेंगे। तो एफ एक्स ये है x और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, कह रहा है इफ x इज ऑड, ऑड का मतलब क्या होगा, ये जो वैल्यूज है ये वन हो जाए, अगर ये वन हो गया, ठीक है, तो ऑड है तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हमने क्या लिया, ये वन लिया, तो x की जो वैल्यूज है वन से टू के बीच होगी, तो वो ये लिया जाएगा। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर इवन हो गया, यानी कि ज़ीरो, एक्स की वैल्यू ज़ीरो से लेस देन वन अगर इवन है तो कौन सा फंक्शन होगा, ये वन प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर और माइनस एक्स हो गया, क्लियर। फिर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हम वैल्यूज़ क्या ले लें, माइनस वन से ये लेस देन ज़ीरो, तो माइनस वन ये भी ऑड होगा, तो ऑड के लिए फिर से ये x माइनस एक्स। फिर ये x अगर ये टू हो गया, ये इवन हो गया, सॉरी ये माइनस वन था ऑड, अब अगर ये इवन हो गया तो x की वैल्यू टू से थ्री के बीच है, तब ये क्या लिया जाएगा, इवन होने के लिए ये लिया जाएगा, ये वन प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स। आइए देखते हैं, ये बार बार वैल्यू, ये है ऑड, फिर ये इवन है तो फिर ये ऑड हो गया, ऐसा करते हैं हम इसे ज़ीरो ले लेते हैं, फिर ये वन ले लेते हैं, या हम ऐसा करते हैं कि माइनस वन से लेते स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमने वैल्यूज़ ली माइनस वन, तो एक्स की वैल्यूज़ माइनस वन से ज़ीरो, तो माइनस वन क्या है, ऑड है, ठीक है। फिर ये ज़ीरो ले लिया, ज़ीरो से लेस देन वन, तो ये वैल्यूज़ क्या है, इवन है, तो इवन के लिए ये ले लेंगे। फिर वन लिया, एक्स की वैल्यूज़ वन से
लेस देन टू है, ये वन हुआ यानी कि ऑड हो गया, ऑड हो गया तो फिर ये ठीक है। अब अगर ये हम वैल्यूज टू ले लें तो ये क्या है, इवन है, ये क्या है, ऑड है, ये क्या इवन था, ये ऑड है। तो अब इवन हो गया तो एक्स की जो वैल्यूज़ है वो टू से लेस देन थ्री इवन के लिए हम ये वैल्यूज़ लेंगे। अब हम इसका ग्राफ अगर बना करके देखें तो चलिए हम ग्राफ बना करके देखते हैं। इस ग्राफ को जरा देखिए, ये वन प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर और माइनस एक्स है, इसको हम वन माइनस, अगर ये ब्रैकेट ये एक्स माइनस इस तरह से कर लें तो भी इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कैसा था, ये तो ऐसा ग्राफ था, बात समझिए कि ये एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर ये एफ एक्स है तो इसका तो ग्राफ ऐसे आता है, माइनस वन जीरो वन और ये टू, टू से थ्री के लिए। अब अगर हम इसको जो है माइनस कर लेते हैं, अगर माइनस एक्स और ये प्लस इस तरीके से, ये माइनस एक्स प्लस अगर ये हो जाए तो अब ग्राफ क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, वो ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा नीचे की ओर। लेकिन अगर हम इसमें प्लस वन कर लें यानी एफ एक्स, अगर हम ये माइनस एक्स प्लस ये, तो इसका ग्राफ अब कैसे बनेगा, इसका ग्राफ क्या बनेगा, ये जो है ये माइनस वन नीचे था अब ऊपर हो गया, तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ये वन जीरो से वन, ये टू, ये ग्राफ इस तरीके से ये रिपीट कर जाएगा माइनस वन से के लिए। तो अब ये बात, ये ग्राफ भी समझ में आ गया, ये ग्राफ भी समझ में आ गया। अब स्टार्ट करते हैं इस फंक्शन को ड्रॉ करना। इस फंक्शन को जब ड्रॉ करेंगे तो माइनस वन से जीरो के लिए, तो माइनस वन से जीरो के लिए ये जो है, जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑड हो जाता है तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, यानी कि ये ग्राफ ऐसा बनेगा। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जीरो से वन के लिए क्या है, जीरो से वन के लिए ये ग्राफ है, तो यानी कि इसका जो ग्राफ है वो क्या होगा, ये ऐसा आएगा जीरो से वन के लिए, ठीक। फिर वन से, अब अगर हम, अगर इवन था अब ये ऑड आ गया, वन से टू के लिए ये अगर ऑड है तो फिर ये ऐसे ही आएगा, यानी वन से एक्स की वैल्यू वन से टू होगी और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ये ऑड होगा तो हमारा ये ग्राफ बनेगा, यानी कि ये ग्राफ बनने का मतलब इस तरह से एरो वन से टू के बीच। फिर टू से थ्री के लिए हम देखते हैं, फिर ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ये थ्री, इट मींस ये जो ग्राफ है ये इस तरीके से ये बनता जाएगा, ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये माइनस टू, ये माइनस थ्री। तो अब आप देखिए इस तरीके से ये ग्राफ इस तरफ कितना जाएगा, माइनस टेन होगा और इधर ये टेन होगा। तो ये चूंकि ये पीरियोडिक है और माइनस वन से वन तक कितना होगा लेंथ, टू, तो ये एक पीरियोडिक फंक्शंस होगा और इसकी पीरियड होगा टू, टू के बाद ये रिपीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि एक लिखेंगे कि एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टू, इसका पीरियड कितना होगा, टू। बहुत अच्छी बात है, पता चल गया कि ये जो एफ एक्स फंक्शन की बात कर रहा है, ग्राफ से पता चला कि वो एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड कितना है, टू है। बहुत अच्छी बात है, हमें एफ एक्स के बारे में पता चल गया, बहुत अच्छी बात है। आइए, हमने एफ एक्स का ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया इसी तरीके से, अब हम इसको मिटा देते हैं। थिंक ग्राफिकली फॉर आईआईटी जेई, अगर ग्राफिकली सोचते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए, या सेवन या एट मार्क्स का, एट मार्क्स का शायद क्वेश्चंस था या फाइव मार्क्स का, जो भी है। तो फिलहाल इसकी जो वैल्यूज है, पाई स्क्वायर अपॉन टेन, माइनस टेन से ये टेन और ये एफ एक्स और ये कॉस पाई एक्स और ये डी एक्स, ठीक है। हम चेक करेंगे क्या ये भी पीरियोडिक फंक्शन है,
तो हम देखेंगे कि ये कॉस पाई एक्स, इसका जो पीरियड होगा वो कितना होगा, पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है, और एक्स का जो कोफिशेंट होता है उसको डिवाइड करिएगा तो इसका भी पीरियड 2 आ गया, इसका भी पीरियड 2, इसका भी पीरियड 2। तो ये क्या हो गया, हम ये कहेंगे कि सो एफ एक्स इंटू कॉस पाई एक्स इज आल्सो पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, विथ पीरियड 2। ओके, अगर इसका भी पीरियड 2 है तो हमको मालूम हो गया कि ये -10 से 10 तक कितने पीरियड हो गए, बोलिए भाई, अगर पीरियड 2 है तो 0 से 10 तक में 5 पीरियड होंगे 5 पीरियड। अब -10 से 10 तक कितने होंगे, 10 पीरियड होंगे, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन 0 से t एफ एक्स और ये डी एक्स है और ये एन टी है तो हम क्या लिख सकते हैं, एन इंटू 0 से टी एफ एक्स और डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, एन टाइम, यानी कि एक पीरियड ले लें और उसको एन टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो देखिए ये पाई स्क्वायर बाई 10, यानी कि हमारा जो पीरियड है ये कितना है, ये पीरियड है 2, तो ये -10 से 10 तक हमारे जो पीरियड हैं, 0 से 10 में 5, तो ये हो गया 10, कितने होंगे, 1 से 10 तक में 2 के हिसाब से 5 पीरियड हुए, 2, 2, 2, 2, 5, तो माइनस इधर भी होंगे तो 10 पीरियड हो गए। तो 0 से हम 2 ले लेंगे एफ एक्स यानी कि एक पीरियड के लिए, और ये कॉस पाई एक्स और डी एक्स, 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, बहुत अच्छी बात है भाई। फिर ये पाई स्क्वायर 0 से 2 और ये एफ एक्स और कॉस पाई एक्स और डी एक्स, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए ये एफ एक्स कैसा फंक्शन है, एफ एक्स के बारे में मालूम है कि 0 से 1 में ये जो लाइन है इस लाइन को क्या बोला था, 1 प्लस ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन होगी, ये एक्स लाइन होगी, लेकिन ये 1 माइनस एक्स लाइन होगी। 1 से 2 में ये लाइन कौन सी होगी, इस लाइन को एक्स माइनस 1 लाइन बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये हम पाई स्क्वायर ले लेते हैं, 0 से 1 अगर लेंगे तो इस एफ एक्स को क्या कहेंगे, 0 से 1 में 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स और कॉस पाई एक्स और डी एक्स, और फिर 1 से 2 के लिए ये क्या होगा, एक्स माइनस 1, ये एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ये कॉस पाई एक्स और डी एक्स हो जाएगा। ओके, चलिए अच्छी बात है। अब सॉल्यूशन निकालिए, 0 से 1 में अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 0 से 1 कॉस पाई एक्स डी एक्स और ये माइनस एक्स कॉस पाई एक्स और डी एक्स, 0 से 1। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 1 से 2 एक्स कॉस पाई एक्स और डी एक्स, और माइनस 1 से 2 कॉस पाई एक्स और डी एक्स, ये वैल्यूज रख दीजिए, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। ओके, ये इसके लिए रखा हम लोगों ने, फिर इसके अब हम लोग इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब बात आती है कॉस पाई एक्स की का इंटीग्रेशंस, तो बहुत ध्यान से देखिए कॉस पाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस पाई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा साइन पाई एक्स और अपॉन पाई, और 0 से अगर ये 1 लिमिट है तो हम ये 1 और 0 ये 1 रखेंगे तो साइन पाई
अपॉन में पाई साइन पाई की वैल्यू जीरो, और अगर जीरो रखा तो भी जीरो, यानी इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इट मीन्स ये वैल्यूज तो जीरो हो गई। ओके, उसी तरीके से ये देखेंगे, ये कोई भी इंटीजर रखेंगे तो भी जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये वन से टू भी होगा तो ये वन से टू होगा तो साइन टू पाई, यहाँ एक्स टू रखेंगे तो टू पाई होगा वो भी जीरो, अगर वन पाई रखेंगे तो भी जीरो, तो यानी कि इसकी वैल्यू भी जीरो आ गई। अगर इन दोनों की वैल्यू जीरो आ गई तो फिर क्या होगा बेटा? तब तो आसान हो गया। तो आसान ये हो गया, तो बेटा देखिए ये टर्म्स जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया, तो अब ये बच रहा है तो इसे, सॉरी ये माइनस में है, तो चलिए इसका इंटीग्रेशन एक ही जैसे होगा, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये लिख लेंगे माइनस का जीरो टू वन, और ये एक्स कॉस पाई एक्स और डी एक्स, और ये प्लस वन से टू एक्स कॉस पाई एक्स और डी एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये पाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशंस माइनस में, तो ये एक्स और साइन पाई एक्स अपॉन में पाई, और माइनस माइनस करेंगे इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये कॉस पाई एक्स अपॉन में पाई आ जाएगा। इसको ऐसे ब्रैकेट कर देते हैं, इस पे जो है लिमिट लगा देते हैं जीरो से वन का, इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन देखें, इसमें भी इंटीग्रेशन यही रहेगा, लिमिट भले बदल जाएगी, तो ये आ जाएगा एक्स साइन पाई एक्स अपॉन में पाई, ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस पाई एक्स अपॉन में पाई स्क्वायर, और लिमिट वन से टू। क्लियर बेटा? तो देखिए अब हम लोग जो है इसमें वैल्यूज रखेंगे, तो ये है पाई स्क्वायर, अगर हमने ये वन रखा साइन पाई जीरो हो जाता है, और ये कॉस पाई की वैल्यूज कितनी होती है? माइनस वन, तो ये माइनस में माइनस अपॉन पाई स्क्वायर, फिर माइनस रखते हैं, फिर जीरो रखेंगे जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो कितना हो जाता है? कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन, तो ये माइनस वन अपॉन पाई स्क्वायर आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस ये कितना हो गया? टू। फिर ये है प्लस, इसमें अगर हम साइन टू पाई रखें तो जीरो हो जाएगा, कॉस टू पाई होता है वन, यानी वन अपॉन पाई स्क्वायर बचेगा। फिर यहाँ पर माइनस होगा, ये वन रखेंगे साइन पाई की जो वैल्यूज है ये जीरो हो जाएगी, और ये रखेंगे कॉस पाई तो कॉस पाई की वैल्यू आएगी माइनस वन, तो माइनस ये प्लस पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये पाई स्क्वायर, ये टू अपॉन पाई स्क्वायर, टू अपॉन पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, तो ये वैल्यूज फोर होगी। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चंस था, तो बात को आप समझिए कि यहाँ पर माइनस टेन से टेन दिया हुआ था, और एफएक्स के बारे में जानना था, इसको ब्रेक कर दिया, पता चल गया इवन और ऑड इस फंक्शन में, इजी फंक्शंस में टूट गया, हमने ग्राफ बना लिया, ग्राफ से पता चला ये एफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन है, उसका पीरियड टू है, कॉस भी पीरियोडिक फंक्शन है, इसमें पीरियड की थ्योरी लगाई कि पीरियड क्या होता है, पीरियड होता है कॉस का टू पाई, और एक्स का जो कोफिशेंट है ये भी पता लगा लिया कि इसका जो है पीरियड टू है, फिर जब दोनों का पीरियड टू है तो ये पता चल गया कि पूरा का फंक्शन, पूरा पूरा फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड टू, तो अगर टू पीरियड है तो हम एक पीरियड लें और बाकी के ये पीरियड हमने मल्टीप्लाई कर दिए, तो 10 पीरियड बन रहे थे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है, धीरे धीरे कैलकुलेट करके आंसर आया 4। तो ग्राफिकल अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ग्राफिकल अप्रोच आपसे मिस्टेक नहीं होने देती है। थिंक ग्राफिकली फॉर IIT JEE।